पिछले क्लास में मैंने मेडिवल हिस्ट्री में खासकर लोदी डेनिस्ट्री तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि बाबर किस तरीके से अटैक करता है और बाबर एक मुगल नाम का डेनिस्ट्री कायम करता है इंडिया में। इस मुगल डेनिस्ट्री का जो टाइमलाइन होता है या टेन्योर जो होता है 1526 से 1857 तक तो होता है। इस बीच में एक अर्ली मुगल कह सकते हैं, एक लेटर मुगल भी कह सकते हैं, आप डिवाइड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि 1526 से 1707 तक टोटल 6 इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं, सॉरी, और वही 1707 से 1857 तक लगभग 11 इंपॉर्टेंट एम्पेरर आते हैं। बट अगर हम बात करें इसमें अर्ली से ज़्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये कि जो 6 एम्पेरर हैं इससे ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बाद के जो एम्पेरर हैं उससे सिर्फ बहादुर शाह जफर, उससे पूछा जाता है। इस बीच में जो आए हैं बहुत कम, रेयर ऐसा देखा जाता है कि एंट्रेंस में पूछता हूँ, उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। स्टार्ट करते हैं बाबर से। आपको मालूम है कि बाबर जो था वो टर्की से था और इसका बर्थ जो हुआ था 1483 14 फेब को हुआ था इनका बर्थ, जो कि कहाँ हुआ था, टर्की में ही हुआ था। जैसे ही उम्र इनका जो है 11 साल के हुए, 11 ईयर का हुए थे, इनको राजा बनने का मौका मिला था क्योंकि उसी टाइम इनका इनके फादर का डेथ हो गया था, इसलिए इनको एट अ टाइम रूलर बनाया गया। इसके बाद जो है एक बैटल 1502 में सरायपुल का बैटल लड़े सैबानी खां से उसी एरिया में, लेकिन वो इस बैटल को हार गए थे। बट फिर अगेन इस बैटल में ये हार गए थे। किस तरीके से खुद को बचा पाए, इसके बाद खुद को स्ट्रॉन्ग किए और स्ट्रॉन्ग करने के बाद फिर अलग अलग बैटल अलग अलग टाइम में लड़ते हुए आए और स्टार्टिंग में 1504 में काबुल कंधार जीत लिए। उसके बाद जो है फिर बाबर जो है बाजौर पर अटैक किए थे और वहाँ भी उसने जीत लिया था। बाबर इम्पॉर्टेंट, बाबर के साथ इम्पॉर्टेंट ये था कि ये तुगलमा ट्रिक यूज़ करता था। और इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें, देखिए ये अलग बात है तुगलमा ट्रिक यूज़ करते थे, बट कभी भी ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे इम्पॉर्टेंट जैसे इसका जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो इम्पॉर्टेंट हमेशा पूछा जाता है। इन्होंने जो है गार्डन बनाए थे, मॉस्क बनाए थे कवाड़ी बाग के नाम से और कवाली मॉस्क के नाम से। इन्होंने जो है एक नया कॉइन लॉन्च किया था शाहरुख के नाम से और कंधार में बाबरी के नाम से इसने जो है कॉइन लॉन्च किया था। इसके साथ ही कॉइन लॉन्च करने की वजह से, यानी कॉइन बांटने की वजह से, जो जो काबुल के जो लोग थे उनको इन्हें कलंदर का नाम दिया, इनको यानी कलंदर का टाइटल मिला, किसको, बाबर को। नेक्स्ट अगर बात करें तो बाबर जो है अपना कैपिटल जो है आगरा शिफ्ट किया था, मतलब आगरा मुगल के टाइम में जो कैपिटल रहा स्टार्टिंग में वो आगरा रहा था। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इनका एक बैटल होगा, जैसे अगर बाबर का पहला बैटल देखा जाए तो 1526 में हुआ यानी कि पानीपत के नाम से। सेकेंड जो बैटल हुआ था वो बैटल ऑफ खानवा के नाम से हुआ, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इस बाबर और राणा सांगा के बीच में बैटल में ये होता है कि राणा सांगा को सपोर्ट करता है कौन, मेदिनी रॉय और मोहम्मद लोदी, ये दो लोग इसके बैटल में सपोर्ट करते हैं। बाद में ये होगा कि आने वाले टाइम में फिर से दो बैटल होंगे और वो दोनों इसी से ही होगा, एक मेदिनी रॉय से होगा और महमूद लोदी से होगा। तो यहाँ पर अब ये देखिए कि पहला बैटल 1500, मतलब इम्पॉर्टेंट जो बैटल की बात करें तो 31 अप्रैल 1526 में पहला बैटल। उसके बाद नेक्स्ट जो है 1526 में किससे बैटल ऑफ खानवा के नाम से हुआ था, जो कि राणा सांगा के बीच और इसके बीच में हुआ था। थर्ड बैटल हुआ है बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। अब आप ये देखिए कि वही मेदिनी राय है जो इनको सपोर्ट किया था, किसको, राणा सांगा को, इस वजह से नेक्स्ट बैटल इसके साथ होगा। और इसमें जो फोर्थ, अच्छा, जब ये मेदिनी राय को हराता है तो इसी के बाद जो है बाबरी मॉस्क जो कंट्रोवर्शियल रहा है कई बार, ये इनके ही द्वारा बिल्ड किया गया था कहाँ, अयोध्या में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो 1529 में एक अगेन बैटल होता है बैटल ऑफ घाघरा के नाम से, जो कि किसके बीच में होगा, ये वही मेदिनी राय और इसके बीच में, क्योंकि मेदिनी राय इसको सपोर्ट किया था, सॉरी, महमूद लोधी और बाबर के बीच में। तो 1529 का जो बैटल हुआ था वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इस बैटल में मतलब मेदिनी राय ये महमूद जो लोधी था वो अफगान था। बैटल जरूर होता है, बड़ो कम बोलते ना कंप्लीट सफाया नहीं कर पाता, इसलिए बाद में इसके जो बेटा होंगे उसको नुकसान करेगा। तो आगे का सीन ये है कि बाबर का अगर हम टाइमलाइन की बात करें, स्टार्टिंग में देखा कि भाई 1526 से लेकर 1530 तक ये तो बैटल ही करते रह गए, और उसके बाद जो है इसका बेटा यानी हुमायूं उसका टाइम आएगा, और 1530 में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसका डेथ हो गया था। तो एक मैट्रिक यहाँ पे दे दूँ, बाबर ने खाना खाया पहला बैटल, सॉरी खाना नहीं, क्योंकि खाने मतलब खाना खाने से तो पहले पानी पीते हैं, तो आप ऐसे ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि बाबर ने पानी पिया यानी बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद खाना खाया, खाना खानवा हुआ बैटल ऑफ खानवा, उसके बाद चांद देखा, मतलब जाहिर सी बात है आप जब खाना खा लेते हैं तो आप टहलने की कोशिश करते हैं, तो जब टहलेंगे होपफुली आप आसमान में भी देखेंगे तो चांद दिखाई पड़ेगा। तो तीसरा जो बैटल था वो बैटल ऑफ चंदेरी था, यानी चांद देखा, उसके बाद घर गया, मतलब चांद देखने के बाद सोने की कोशिश करेंगे या अपने घर में जाएंगे, तो घर ही, यानी बैटल ऑफ घाघरा हो गया, और उसके बाद मर गया, उसके बाद 1530 में उसका डेथ हो गया। तो इस तरीके से आप उनके बैटल को ट्रिक वे में यूज़ करके याद रख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो
हुमायूं का टाइम आया, बाबर का चार बेटा होगा, एक तो हुमायूं, सॉरी बाबर का चार बेटा हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। यूजुअली आपसे हुमायूं के बारे में पूछा जाता है, हालांकि चार बेटा जरूर है। हुमायूं का जन्म जो है 1508 में काबुल में होता है, और इसके कुछ दुश्मन थे जैसे महमूद लोधी थे, शेर खान बिहार में थे और बहादुर शाह गुजरात में थे। ये सभी टाइम टू टाइम पे अटैक करते हैं और ये बाद में थोड़ा कमज़ोर भी पड़ता है, लेकिन इन सब में जो स्ट्रांग होता है ना वो होता है शेर खां, जो कि आगे जाके इनको हरा देगा। और हराने के साथ साथ जो है इनको भागना पड़ जाता है, इनको बाबर को। अगर हम बात करें तो बाबर जब बंगाल वाला बंगाल के बैटल पे जाता है तो महमूद लोधी को तो हरा देता है, लेकिन जब लौट रहा होता है तो शेर खां इस पर अटैक करता है और यहाँ पर ये कमज़ोर पड़ जाता है। इस वजह से खुद को बचा करके भाग करके आना पड़ता है दिल्ली। इसके बाद फिर से बहादुर शाह, जो मैंने नाम लिया, गुजरात में वहाँ भी बैटल लड़ता है। और हालांकि जो बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेर खां के बीच में होता है उसमें हुमायूं हार जाता है और शेर खां वही जो आगे शेर शाह के नाम से उनको टाइटल मिलेगा वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, बट बैटल ऑफ बिलग्राम, ये कन्नौज में जो है कंप्लीट ये हार जाते हैं। उसके बाद इनको भागना पड़ जाता है और 1540 के बाद जो है 1555 तक जो है सूरी डायनेस्टी जो है कायम हो जाए कहाँ, दिल्ली में। इस अब तक जो था वो मुगल था कुछ दिन के लिए, बट 15 साल के लिए देखा जाए तो गैप हो गया। एक बड़ी वजह ये रही कि बाबर खुद ही हार गया था किससे, शेर शाह से, और शेर शाह अपना डायनेस्टी कायम कर लिया। ऑलरेडी ये बिहार में चल रहा था, इसको एक्सटेंड करके दिल्ली लेके चला गया, तो ये कुछ दिन तक दिल्ली में रूल किए। खैर अभी हम बाबर को कंप्लीट नहीं किए, बाबर इस बैटल में हार जाएगा, बाबर भाग जाएगा वहाँ से। फिर बाबर जो है 1541 में शादी करेगा हमीदा बानो बेगम से। इसके बाद वो किंग बिरसाल जो कि पंजाब में, वहाँ जाता है, वहाँ अमरकोट में, अमरकोट के राजा किंग बिरसाल होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ उनसे कुछ दिन के लिए, मतलब वहाँ पहले शादी करते हैं, शादी करने के बाद अपनी वाइफ को वहाँ छोड़ देते हैं। और उसके बाद वो चला जाता है कहाँ, वो पहले जाता है ईरान, और जहाँ उसका भाई ऑलरेडी कामरान जो होता है उसके पास जाता है उससे हेल्प लेने के लिए। तो इसी बीच में पहले, अभी तो खैर वहाँ चला गया, लेकिन उससे पीछे कहानी है कि इसी बीच में जो है कहीं ना कहीं जब शादी होता है उसके नेक्स्ट ईयर जो है अकबर का बर्थ होता है, कहाँ होगा, वही अमरकोट पंजाब में। नेक्स्ट बात करें तो हुमायूं जब जा रहा होता है तो गुरु अंगद देव से वो ब्लेसिंग लेके जाता है वहाँ से। उसके बाद जो है फिर वही सीधा अपने भाई के पास जाता है, बट भाई सपोर्ट नहीं करता तो भाई को ही वहाँ मार देता है कमरान को। और उसके बाद काबुल कंधार फिर से जीत जाता है और फिर वो दिल्ली आने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं सूरी डायनेस्टी और स्ट्रांग है, इसलिए वो मौका तलाश करता है कि कब ऐसा मौका मिलेगा कि हम उस पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लेंगे। और ये होता कब है, जब 1555 में बैटल ऑफ मछीवाड़ा होता है हुमायूं और नासिर खान के बीच में। ये नासिर खान शेर शाह सूरी डायनेस्टी का ही आदमी, मतलब रूलर होगा सूरी डायनेस्टी का, उसको हरा देता है। और उसके बाद जो है फिर से जो है मुगल डायनेस्टी कायम होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि उसके अगले साल ही जो है हुमायूं भी मर जाता है। और इसी डेथ होने की वजह से नेक्स्ट जो रूलर या राजा या नेक्स्ट जो किंग बनने का मौका मिलता है वो अकबर को मिलता है। ये बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा सुन लीजिएगा या देख लीजिएगा। अब अगर बात करें इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं सूरी डायनेस्टी को ख़त्म करके, मतलब फिर से वही मुगल डायनेस्टी कायम होता है। अब क्योंकि सूरी डायनेस्टी का नाम लिया तो सूरी डायनेस्टी का थोड़ा सा बता दें। सूरी डायनेस्टी का एक्चुअल जो फाउंडर माना जाता है वो शेर शाह सूरी को माना जाता है। इसका जन्म वैसे पंजाब में हुआ था, लेकिन अलग बात है कि इसके फादर जो है वो थे लैंडलॉर्ड थे, और वो भी जौनपुर थे, और एजुकेशन जौनपुर में हुआ था, लेकिन बाद में इनको जो है रूलर बनाकर बिहार में भेजा गया था और वहाँ रूल करने लगे। कौन, इनके फादर। उसके बाद कहीं ना कहीं फादर का इन्फ्लुएंस रहती भी वहाँ पर रहने लगे, और इनके पास भी काफ़ी नॉलेज था उस एरिया को लेकर। तो नेक्स्ट जो है इनको ही अगला रूलर बनने का मौका मिला, पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने आज के टाइम में जो हम रुपया जो देख सुनते हैं ना, रुपया ये इनके ही द्वारा स्टार्ट किया गया, और उस समय रुपया जो सिल्वर क्वाइन, मतलब सिल्वर में लॉन्च किया गया था, किनके द्वारा, शेर शाह सूरी के द्वारा। आज भी रुपया जो है अलग अलग कंट्री में आज भी एक्टिव है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ भी वहाँ का जो करेंसी है वो यही है। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में बोला था कि पद्मावत जो है लिखा गया मलिक मोहम्मद जैसी, वो इसी के टाइम में यानी कि शेर शाह सूरी के टाइम में लिखा गया था। इन्होंने जो हुलिया और डाक सिस्टम अडॉप्ट किया था। इसके अलावा यह है कि कुछ काम भी, जैसे इनका टॉम जो है सासाराम, बिहार के सासाराम है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रूलर आए, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं थे कि रूल कर सके, इस वजह से ये डायनेस्टी ख़त्म होगा। और ख़त्म कौन करेगा, तो हुमायूं करेगा, क्योंकि वो बैटल ऑफ मछीवाड़ा के नाम से बैटल लड़ेगा, और बैटल इसके बाद जो है सूर्य डायनेस्टी इंडिया से ख़त्म हो जाए, इंडिया नहीं बल्कि दिल्ली से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रूलर बनने को मौका फिर से बाबर को ही मिलता है, लेकिन बाबर कुछ ही दिन तक रूल कर पाता है, उसके बाद उसका डेथ हो जाता है। एंड उसके बाद जो है फाइनली अकबर को, क्योंकि उसी का बेटा अकबर होगा, बाबर का ही, सॉरी हुमायूं का ही, बाबर का नहीं, हुमायूं का चल रहे हैं, तो हुमायूं का बेटा अकबर होगा। और उसके बाद जो है
अकबर को राजा बनने का मौका मिलता है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे ही डेथ होता है हुमायूं का, उसी बीच में हेमू जो था वो गुजरात राजस्थान वाला रीजन में वो था उस टाइम, और ये देखता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में मामला थोड़ा सा अनबैलेंस, क्योंकि हुमायूं का डेथ हो जाता है और उसको लगता है कि हुमायूं के बाद कोई तो है नहीं वैसा, तो इसने है दिल्ली पर अटैक करके दिल्ली का थ्रोन अपने नाम कर लिया, यानी दिल्ली का राजा बन जाता है कौन, हेमू। और उस टाइम जो है अकबर कहाँ होता है, अकबर होता है पंजाब में अमरकोट में। जब ये बात पता चलता है तो उसका जो टीचर होता है बैरम का, वो वहीं से ही अकबर को दिल्ली का नेक्स्ट रूलर अपॉइंट कराता है, घोषित करवाता है पहला। दूसरा ये है कि इसी हेमू को एक टाइटल दिया गया, विक्रमादित्य के नाम से इनको टाइटल दिया गया है, मतलब है कि उस टाइम तो अलग बात जीत जाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक बैटल होगा हेमू और किसके बीच में, और अकबर के बीच में। अकबर की ओर से कौन है, वो है बैरम खां। तो अब जो है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा किसके किसके बीच में, अकबर और बैरम, अकबर की ओर से बैरम खां और किसके बीच में, हेमू के बीच में। एक बात आप सोच सकते हैं कि आखिर पानीपत में क्यों हुआ, आप सोचिए आप कैसे लॉजिक लगाएं। आपको मालूम है कि इसका बर्थ कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था, तो पंजाब से अगर आप दिल्ली आते तो बीच में ही पानीपत, हरियाणा में पानीपत मिल जाता है, तो इसमें सेकंड बैटल भी पानीपत में ही हुआ, एक बड़ी वजह ये रही। तो अगला बैटल जो है 1556 में, पहला बैटल 21 अप्रैल 1526 में बैटल ऑफ पानीपत हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ, वो 1556 हुआ बैरम खां और इसके बीच में। जब ये दूसरा बैटल हुआ, इस बैटल में हेमू जो हार जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो रूलर फिर से अब किसको बनने को मिला, अकबर को। अकबर के बारे में अगर बात करें तो ये इनका टाइमलाइन जो स्टार्टिंग में 1556 से 60 के बीच में, गार्जियन ऑफ बैरम खां, मतलब बैरम खां के गार्जियनशिप में ही ये चल रहा होता है, बट इसी बीच में बैरम खां के दिमाग घूम जाता है और घूमने की वजह से अकबर के ही अगेंस्ट चला जाता है, और अकबर और इसके बीच में बैटल हो जाता है। कब होता है, 1560 में, बैटल ऑफ तिलवाड़ा के नाम से। इस बैटल में होता ही है कि अकबर मारा जाता, सॉरी अकबर जो है बैरम खां जो मारा नहीं जाता है, बल्कि बैरम खां हार जाता है और अकबर जो है जीत जाता है। और इस बैटल में अकबर बैरम खां को ऑप्शन देता है कि आप जो है या तो इस एरिया को छोड़ के चले जाइए कहीं, या फिर यह है कि आप हज के लिए निकल लें। तो ये जो है हज पिलग्रिमेज अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था जो उस टाइम, तो ये हज के लिए चले जाते हैं, बट जैसे ही निकलते इसी बीच में उनको रास्ते में ही मार दिया जाता है। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। इस जब ये डेथ हो जाता है, इसके बाद जो इसकी दाइमा होती है महामंगा, वो कुछ दिन तक, मतलब अगर आप बात करें 1560 के बाद 1560 से 62 के बीच में, अब नेक्स्ट जो कोई रूलर या रूल कर रहा होगा तो महामंगा करेगी उसके, इसी को ही पेटिकट गवर्नमेंट भी बोलते हैं, सिर्फ 2 साल के लिए होता है। इसके बाद 1562 में जो है इसके शादी होगा हरक्का बाई से। इसके बाद कहीं ना कहीं अकबर का अटैक स्टार्ट होगा, हालांकि उसने पहले अटैक कर चुके हैं बैरम खां के साथ और उस बैटल में ये जीत चुके हैं, लेकिन जो होता है ना बैटल, तो वो ये तो अपने में ही मार हो गया था। बट अगर हम बात करें 1561 में एक बैटल होगा जिसका नाम होगा बैटल ऑन द बाज बहादुर के साथ, इनका बैटल होता है जो कि मालवा का रूलर होते हैं। खैर उसके बाद जो ये तो शादी कर लेंगे, शादी करने के बाद अब चीज़ें वैसा नहीं रहता, आप भी समझते हैं कि शादी करने के बाद इंसान के साथ या खासकर मेल पर्सन के साथ सिचुएशन वैसा नहीं रहता है। तो आगे का सीन ये होगा कि अब हरक्का बाई जो है वो उससे शादी होगा, और शादी होने के बाद ये कई सारी चीज़ें बदलते हैं, जैसे कि अब हरक्का बाई का कहना होता है इनको, यानी जोधा बाई जिसको हम कह सकते हैं, उनका कहना होता है कि आप किसी एक स्पेसिफिक के लिए राजा नहीं, मतलब सिर्फ मुस्लिमों के लिए राजा नहीं है, राजा पूरे सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए। तो इन सबको देखते हुए जो उस टाइम स्लेवरी सिस्टम चल रहा होता है, सती सिस्टम जो चल रहा है, सबको प्रोहिबिट करता है, साथ ही जो जजिया टैक्स और पिलग्रिमेज टैक्स जो स्टार्ट हुआ था, इन दोनों को भी ख़त्म कर देता है कौन, अकबर। इन सबको देखते हुए अकबर जो है कई सारे स्टेप लेते हैं, इन सबको देखते हुए फाइनली अकबर को एक टाइटल मिलता है, जलालुद्दीन पहले तो नाम था, उसके बाद में इसको अकबर का टाइटल मिलता है। ये सलीम, शेख सलीम चिश्ती के फॉलोअर होते हैं और उन्हीं के नाम पे फतेहपुर सीकरी बनवाते हैं पहला। दूसरा ये है कि अब इसका जो बेटा होगा उसका नाम भी ये क्या रखते हैं, सलीम रखते हैं। तो सलीम का कॉन्सेप्ट समझ में है, ये शेख सलीम चिश्ती के फॉलोअर होते हैं, इस वजह से अपने बेटे का भी नाम शेख सलीम रखेंगे, और वो अलग बात है कि बाद में जाकर शाहजहाँ बनेगा, सॉरी जहांगीर बनेगा। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो अकबर जो है गुजरात मिशन पे जाएंगे और वहाँ गुजरात को ऐड करेंगे। इसी बीच में जो है वो मिलता है उससे, किसे, जो पोर्तुगीज इससे पहले जो आया हुआ था, पोर्तुगीज आपको मालूम है कि लोधी डायनेस्टी के टाइम में जो है पोर्तुगीज आया था, तो जब वो पोर्तुगीज आता है इंडिया में तो उस टाइम ये मिलता भी है उससे, और मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं वो वहाँ पे पोर्ट भी देखते हैं, इससे पहले पोर्ट नहीं देखा था। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ काम भी करते हैं, जैसे कि एक तो 1573 में बुलंद दरवाज़ा बनाते हैं फतेहपुर सीकरी में। अब बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बिल्ड किया गया, अकबर के द्वारा। इबादत खाना, पंचमहल, मरियम महल, ये सब इनके ही द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है। टॉम ऑफ सलीम चिश्ती भी इनके द्वारा ही बिल्ड किया जाता है।
ये अपना कैपिटल आगरा से फतेहपुर सीकरी। अब सोचिए फतेहपुर सीकरी कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है, मतलब शेख सलीम चिश्ती के फॉलोवर होते हैं, अपने बेटा का नाम भी सलीम रखता है, फतेहपुर सीकरी नाम का शहर इस्टेब्लिश करा देता है और कैपिटल भी। 1576 में 1576 में एक बैटल होगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। महाराणा प्रताप इस बैटल को लूज कर जाता है, हार जाता है। खैर उसके बाद 1577 में अकबर जो है लगभग 500 बीघा ज़मीन जो है गुरु रामदास, जो कि सिखों के चौथा गुरु, उनको देते हैं। और ये जो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास हैं, उस 400 बीघा को अमृतसर शहर नाम का एक शहर इस्टेब्लिश करवाता है। इसके बाद अकबर के दिमाग थोड़ा घूमने भी लगता है, क्योंकि उसकी पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। इन सब को देखते हुए अकबर जो है एक नया रिलीजन कायम करता है, जिसका नाम रखता है दीन इलाही। इस दीन इलाही के जो पहला कोई फॉलोअर था वो था बीरबल, जिसका पूरा नाम महेशदास भी था पूरा नाम। ये पहला ऐसा सिर्फ हिंदू रूलर था, ये सॉरी हिंदू बंदा था जिसने इस रिलीजन को अडॉप्ट करा था। इन्होंने जो है इलाही कॉइन के नाम से लॉन्च किया था, जिसमें उस कॉइन में राम और सीता का लोगो था उसमें। नेक्स्ट बात करें तो यही जो है अकबर के टाइम में ही जो है, जो आज के टाइम में प्रयागराज जो है, स्टार्टिंग में ही प्रयागराज था, बाद में इलाहाबाद किया, आज फिर से आज प्रयागराज हो चुका है। इन्होंने अपना कैपिटल आगरा में शिफ्ट किया उसके बाद। हाँ, इन्होंने 3 फोर्ट भी बनाए थे, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट और इलाहाबाद फोर्ट। लाहौर फोर्ट लाहौर में है, इलाहाबाद फोर्ट इलाहाबाद में है, और आगरा फोर्ट आगरा में है, जो कि ताजमहल के सामने से दिखता भी है। इनके टाइम को गोल्डन ईयर ऑफ लिटरेचर के नाम से जानते हैं, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक, इनके टाइम में अगर इनके टाइम में पर्शियन जो था वो ऑफिशियल लैंग्वेज था, उस टाइम लैंग्वेज यूज किए जा रहे थे। अकबर का ही सन जो है सलीम, वो इनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर देता है, और उस टाइम वो इलाहाबाद में वो रूल कर, मतलब इलाहाबाद का गवर्नर बनाकर भेज जाता है, तो वो इलाहाबाद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेता है और अकबर से ही जो है मतलब अगेंस्ट उसके चला जाता है। इन्हीं के टाइम में पहला ब्रिटिशर्स अराइव होते हैं जॉन मिडेनहल के नाम से, और अकबर के कोर्ट में रॉल फिंच सबसे पहले आता है। ब्रिटिश क्रॉन एलिजाबेथ जो फर्स्ट उसके ही टाइम में जो है, यानी वो अपना ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में 1600 के आसपास में भेजते हैं, और 1605 में फाइनली अकबर का डेथ हो जाता है। उनका जो टॉम्ब है वो सिकंदराबाद में है, आगरा के पास में ही है। और ये पहला ऐसा रूलर है जिनका जिनको ब्यूरीड भी किया गया था और जलाया भी गया था। ठीक, इनका एक बायोग्राफी आने अकबरी के नाम से, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, अकबरनामा भी जिसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो एक बात और ऐड करते हैं कि जिस बैरम खां को, समझिए जिस बैरम खां को उसने ये ऑर्डर पास किया था कि भाई या तो तुम इस राजपाट को छोड़ दो या हज के चले जाओ, उसी का बेटा होगा अब्दुल रहीम खान खाना। आप सोचो कि अकबर के अंदर कितना काइंडनेस था कि उसी का बेटा को 9 नवरत्न में शामिल करता है, ताकि एहसास हो कि गलती किसने किया था। इसके 9 नवरत्न में 9 लोग होते हैं। ये 9 नवरत्न का कॉन्सेप्ट जो है कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड से लिया गया है। चंद्रगुप्त सेकंड से 9 नवरत्न कॉन्सेप्ट ले गया। आपने देखा कि अकबर इस दुनिया से निकल चुके हैं, अब इसका बेटा जो कि सलीम, उसका पूरा नाम जहांगीर होगा। जहांगीर जो है 1605 से 1627 तक ये रूल करेगा। ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आसिकी का भूत चढ़ा हुआ था, क्योंकि ये 2-3 शादी करते हैं। पहली बात ये है कि इनका बचपन का सलीम है, इनको मेन इंस्ट्रक्टर जो है अब्दुल रहीम खान खाना, मतलब अब्दुल रहीम खान खाना इनको गाइड करते थे। इनकी पहली शादी भगवान दास की बेटी से मानवाई से हुई, दूसरा जगत गोसाई से। लेकिन ये था कि इनकी हरकत सही नहीं होने की वजह से जो है आगे जाकर जो है, खैर अभी आगे बताते हैं। उसके बाद जो है फिर मेहरुन्निसा से ये शादी करेंगे, और मेहरुन्निसा का सीनियर था कि ऑलरेडी वो उसका शादी हुआ था, बट उसका हस्बैंड का डेथ हो चुका था, बट स्टिल इसका दिमाग घूम गया था उसको देखकर, और उससे शादी कर लिया। उसको टाइटल, यानी कि मेहरुन्निसा को ये टाइटल क्या देते हैं, नूर जहाँ के नाम से टाइटल देते हैं। और नूर जहाँ का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस बढ़ता है, इन्होंने अपने ही नाम पर कॉइन भी लॉन्च किया था नूर जहाँ। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो मानबाई जो है ख़ुद को किल कर लेती है। क्यों? क्योंकि जहांगीर जो है अल्कोहल का कंजप्शन स्टार्ट कर देता है। इसी बीच में इसका बेटा खुसरू जो है वो इसके अगेंस्ट चले जाता है, रिवोल्ट कर देता है, और इस खुसरू के रिवोल्ट में साथ देता है कौन? सिखों का 5वां गुरु, वो गुरु अर्जुन देव। यही साथ देने का नतीजा है कि बाद में जो है गुरु अर्जुन देव को भी, और अपने जो बेटा खुसरू, इसको अंधा बना देता है और गुरु अर्जुन देव को मार देता है। ठीक है, 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंग इनके दरबार में आते हैं, और आने के बाद कुछ अब इनके ही टाइम में जब आएंगे तो एक तो सबसे पहला जो ब्रिटिशर्स का पहला जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ सूरत में हुआ था, उसके बाद मसूलीपट्टनम हुआ था। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स की ओर से सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो इन्होंने जो है चेन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था,
तुबैकू को प्रोहिबिट किया था, इसके अलावा दिवाली दशहरा को भी प्रोहिबिट कर दिया था। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये फिर जहांगीर जो है उसका बेटा जो खुर्रम जो बाद में जाके शाहजहाँ बनेगा उसको अहमदनगर मिशन पे भेजता है और उस अहमदनगर को अपने में कब्जे में अपने में ले लेता है। ठीक है, इस तरीके से जब वो अहमदनगर अपने मुगल डायनेस्टी के अंदर में ऐड कर लेता है तो उसके बाद जो है उसी खुर्रम को आगे शाहजहाँ का टाइटल यानी सॉरी उसके बाद उनको शाहजहाँ का टाइटल मिलता है। किसको? खुर्रम को। जहांगीर के टाइम को गोल्डन ईयर ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। गोल्डन ईयर ऑफ लिटरेचर अगर बात करें तो अकबर, गोल्डन ईयर ऑफ पेंटिंग जहांगीर के, यानी जहांगीर का बाप अकबर। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जहांगीर का बेटा जो कि शाहजहाँ होगा उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खैर, इसका एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तुजुके जहांगीरी के नाम से आपसे पूछा जा सकता है। ये तुजुके जहांगीरी किसका है? तो वो जहांगीर का है। इसके बाद फिर ये कि इसके बाद ये कि जहांगीर भी इस दुनिया से निकलेंगे। इसके बाद इसका बेटा जो है शाहजहाँ अगला रूलर बनेगा, हालांकि शाहजहाँ अपने बाप को ही मार देता है। अब आते हैं नेक्स्ट, शाहजहाँ की बात करें तो इनका जन्म जो है बर्थ जो है वो लाहौर में 1592 में होता है। बचपन का नाम और शाहजहाँ के पीरियड को गोल्डन ईयर ऑफ आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकते हैं। शाहजहाँ जो है पहला शादी अर्जुमन बानो से, जो कि मुमताज शेख मुमताज महल जिसके बारे में जानेंगे, मुमताज महल के नाम से भी जानेंगे बाद में, अर्जुमन बानो। उस अर्जुमन बानो से टोटल जो है 7 बच्चे होते हैं, जिसमें 4 बेटा 3 बेटी। 4 में दारा सिको औरंगजेब, साहसिया और मुराद बख्श। बेटी में जहान आरा, रोशन आरा, गोहर आरा, ये 4 बेटा। अब इसके बात करें तो 1631 में जो मुमताज महल जिसके नाम पे आज मुमताज महल सुनते हैं उनका डेथ हो जाता है, उसकी याद में कहने का ये क्या बनवाते हैं? ताजमहल बनवाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें तो इसमें मे भी पूछा जा सकता है कि चीफ कंस्ट्रक्टर कौन था, चीफ आर्किटेक्ट कौन था, तो आप बता देंगे उस्ताद अहमद लाहौरी जो था वो चीफ आर्किटेक्ट था। किसका? ताजमहल का। और चीफ कंस्ट्रक्टर था उस्ताद ईसा था। ताजमहल जो है, जो ताजमहल जो बना हुआ है इसके कई सारे सोर्सेस अलग अलग जगह से लिए गए हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे मार्बल जो यूज किया गया था वो राजस्थान से लाया गया था, ये कुछ ऐसे हुआ। शाहजहाँ जो है जब वो दक्कन मिशन पे होते हैं तो शाहजहाँ जो है वहाँ से कोहिनूर लेकर आते हैं। ठीक है, इसके बाद ये अपना कैपिटल जो है दिल्ली फाइनली शिफ्ट करते हैं और एक शहर का निर्माण कराते हैं जो कि दिल्ली के बगल में ही है, दिल्ली में ही है शाहजहाँबाद, जो कि ओल्ड दिल्ली के पास में है। इसके बाद ये कई सारे काम भी करते हैं, जैसे पहले कि रेड फोर्ट में 2 गेट बनवाता है, दीवाने आम दीवाने खास। आम लोगों के लिए होता है, खास दीवाने खास स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है, जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करना हो। इन्होंने कुछ काम भी कराए, बहुत कुछ काम करवाए, जैसे कि दिल्ली में अगर आएंगे तो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के जस्ट सामने जो है लाल किला है, लाल किला इनके ही द्वारा बनाया गया, यानी रेड फोर्ट। उसके जस्ट आगे बढ़ जाएंगे तो कश्मीरी गेट है, उसके कश्मीरी गेट के जस्ट पीछे चले जाएंगे तो अजमेरी गेट हो जाता है, और लाहौरी गेट तो आप सीधा पाकिस्तान चले जाइए, वहाँ लाहौरी गेट है। नेक्स्ट बात करें तो ये कुछ ऐसे काम करवाए थे। इसके बाद जो है जब जैसे ही लाइक जहांगीर का बेटा भी होगा, सॉरी शाहजहाँ का बेटा भी होगा, अब शाहजहाँ का जो बेटा होता है यानी इसके बाद से कहीं ना कहीं बैटल ऑफ सक्सेसरशिप के नाम से, मतलब अपने ही भाई में बैटल होगा और फाइनली जो नेक्स्ट जो रूलर बनेगा वो जाके औरंगजेब बनेगा। अब क्योंकि बैटल ऑफ सक्सेसर क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा कि इसके 4 बेटे हैं, अब चारों चाहे कि हम अगला मुगल का रूलर बने, पर चारों में तीनों कमज़ोर पड़ता है, औरंगजेब मजबूत होता है और नेक्स्ट जो रूलर बनेगा वो औरंगजेब बनेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद सीधा हम जो है औरंगजेब से स्टार्ट करते हैं। कई सारे बैटल यहाँ पे, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ देवराय के नाम से, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ये देखिए कि औरंगजेब जो है नेक्स्ट रूलर बन रहा है 1658 से 1707 तक। इनका जन्म जो है उज्जैन में हुआ था और ये जो है दित्राज बानो बेगम से, यानी जिसका पूरा नाम राबिया बीबी भी कहली, उनसे इनका शादी होता है। ये भी इनके अंदर भी थोड़ा सा होता है, मतलब जब राबिया बीबी का डेथ हो जाता है तो एक तो उनका टॉम बनता है कहाँ, आपके औरंगाबाद में, और उन्हीं के नाम पे ही ना बीबी का मकबरा भी बनता है, उसको सेकंड ताजमहल या अगली कॉपी ऑफ ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जब ये जैसे ही रूलर बनते हैं मुगल की ओर से, औरंगजेब जैसे ही रूलर बनते हैं तो ये जो कलमा पे जो अब तक जो प्रिंटिंग हो रहा था उसको बैन कर देता है, उसको बंद कर देता है। इसके साथ ही ये गैम्बलिंग को बंद करता है, सती सिस्टम को प्रोहिबिट करता है, टुबैको और लिक्वर जो यूज़ करते हैं उसको भी बंद कर देता है। ये फिर से जो है जो अकबर जिस चीज़ को पिलग्रिमेज टैक्स को जिस अकबर ने बंद किया था इसको फिर से स्टार्ट कर देता है, और ये फिर से शिवाजी पे अटैक करेंगे क्योंकि इसके टाइम में कुछ कॉन्सिडेंस हुए थे। इसके बाद होता यह है कि औरंगजेब जो है जब शिवाजी इस पर अटैक करते हैं 1664 में, तो औरंगजेब की ओर से जय सिंह जाता है शिवाजी पर अटैक करने के लिए, और इस बीच में ट्रीटी होता है
ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से, बट इस ट्रीटी में नुकसान शिवाजी का होता है। इस ट्रीटी में जो है बाय डिफॉल्ट बुलाया जाता है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, किसको, शिवाजी को। नेक्स्ट बात करें तो ये कई सारे काम करते हैं, मतलब काम का मतलब ये कि मुहर्रम जो होता है उसको बैन कर देता है। इसके बाद जो है कुछ जैसे कि बताया जाता है कि सोमनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ, केशव राय राय टेम्पल जो है इन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अकबर जो है जिस तरीके से आपने जहांगीर को देखा कि उसने भी सिखों के गुरु को, अगर हम औरंगजेब की बात करें तो सिखों का नौवें गुरु जो कि शिष सिखों का जो गुरु तेग बहादुर जो है उनको जो है ये मार देते हैं। एक बड़ी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो रिवोल्ट करता है ना तो ये साथ दे देते हैं और उसके वजह से इसको मार देते हैं। ये फिर से जो है कहीं ना कहीं जजिया टैक्स फिर से ये स्टार्ट करते हैं और इसका बेटा होता है अकबर, इसी के अगेंस्ट रिवोल्ट कर देते हैं। अच्छा, इस रिवोल्ट में एक बात ये भी बता दें कि आखिर वो ऐसा क्यों होता है। असल में संभाजी जाने इसको साथ दे देता है, किसको, अकबर को, यानी कि औरंगजेब के बेटा अकबर होता है, उस अकबर को साथ कौन देता है, संभाजी देता है। और इस संभाजी साथ देने के वजह से, अच्छा संभाजी के साथ देने की बड़ी वजह थी कि जहानआरा जो कि बहन थी औरंगजेब का उसको लाइक करते हैं, इस वजह से वो साथ देता है। लेकिन साथ देने का नुकसान ये होता है कि संभाजी को निपटा देता है और उसकी वाइफ और बेटा दोनों को अरेस्ट कर लेता है। बाद में फिर जब इसकी डायनेस्टी यानी कि जब औरंगजेब इस दुनिया से चला जाएगा तब जाकर रिहा होता है मुगल से। इसके बाद जो है औरंगजेब जो है साउथ मिशन पर जाते हैं और साउथ जो होता है ग्रेव ऑफ औरंगजेब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साउथ में जब जाता है तो ये असल में अपने रूलिंग पीरियड में मोस्ट ऑफ द टाइम ये बैटल में ही रहता है। इस बैटल में होने की वजह से इनके कई सारे नुकसान होते हैं और इतना इनके पास एक जो बोलते हैं टैक्सेस कलेक्ट नहीं हो पाता है, जिस वजह से ये बोलते हैं कम मतलब डूबने यानी राजशाही ख़त्म होने का कगार पर। हालांकि अलग बात है कि जब ये जाता है तो बीजापुर, गोलकुंडा इन सबको ऐड कर लेता है। इसके बाद संभाजी पर अटैक करे उसको मार देगा। इसके साउथ मिशन पर ही रहते हैं तो उस टाइम जो है असद खां को वजीर 31 ईयर के लिए असद खां को वजीर बना के रखता है। ये बोलता है हम चले अभी बैटल लड़ने के लिए, तुम जब तक वजीर बन गए यानी पीएम बन कर रहो। औरंगजेब का जो डेथ है 1707 में होगा। इनका जो टॉम्ब है वो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, दौलताबाद में कह लिए यानी कि वहीं इनका डेथ होता है, दौलताबाद में ही इनका, अच्छा ये वही दौलताबाद है जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश करा था। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप देखें कि मैंने औरंगजेब तक आपका मामला समझा दिया। आगे ये कि आलमगीर नामा एक बुक है जो कि काजिम सिराजी के द्वारा लिखा गया बायोग्राफी है इनका, और इन्होंने जो म्यूजिक बैन कर दिया बट विना प्ले करते थे। यहाँ के बाद से कहीं ना कहीं 1707 से 1857 तक जो है आपका लेटर मुगल होगा, और इस लेटर मुगल में उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, आप इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे तो काफ़ी होगा क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है नहीं। हाँ बस बीच में है कि नादिर शाह का जो बैटल है, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुआ था। फर्स्ट बैटल तो समझ में आता ही है कि बाबर के बीच में हुआ, सेकेंड जो है अकबर की ओर से, और थर्ड जो है वो नादिर शाह के बीच में होता है। तो ये कुछ ऐसा हुआ था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं जो पूछा जाए। हाँ बस ये कि हैदराबाद का जो निज़ाम है निज़ामुल मुल्क के नाम से, वो भी कहीं ना कहीं इसी मुग़ल से ही कॉन्सेप्ट आता है। मतलब अगर लेटर मुग़ल पढ़ेंगे तो वहीं से ही हैदराबाद का निज़ाम का भी सीन क्रिएट होता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि नादिर शाह जो है बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करता है यहाँ पे, और इसके बाद एट द एंड में मतलब ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत इंसिडेंट चलता रहेगा। अब इसके बाद जो है मतलब अलग अलग टाइम पे राजा आना स्टार्ट होता है, और जब मुग़ल एकदम से कमज़ोर हो जाता है तो उसके बाद जो छोटे छोटे रीजन थे जैसे कि बंगाल हो गया, अवध हो गया, इन सब इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाता है और टैक्स देना बंद कर देता है। और फाइनली हाल तो ये होता है कि जो मुग़ल के कई ऐसे राजा हैं उनको पेंशनर बना के छोड़ दिया जाता है। बहादुर शाह जफ़र जो कि लास्ट मुग़ल रूलर होंगे आपसे पूछे जा सकते हैं। बस इसके बाद से कहने के इन्हीं के टाइम 1857 का रिवोल्ट होता है। इसके बाद ये इनको अरेस्ट करके सीधा रंगून यानी बर्मा भेजा जाता है, वहीं इनका डेथ हो जाता है और आज तक भारत सरकार उसको ला नहीं पाई है। अब एक बड़ी वजह है कि एक सवाल ऐसे क्यों होता है, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट में जब ये रमजान का टाइम चल रहा था और जब 1857 का रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था तो जो ये रिवोल्ट है ना सीधा दिल्ली पहुंच गया था लाल किला पे, और लाल किला में ये थे। अब उस टाइम लोग इतना आक्रोशित थे, ये थे कि भाई आप हमें साथ दीजिए, मतलब लोग ऐसा कहना था कि भाई उस टाइम का मुगल का एम्पायर जो था बहादुर शाह जफर था, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई अब आप साथ दीजिए इस बैटल में और आगे मेरा लीडर बनिए। इनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो साथ देते या नहीं देते। नहीं देते तो भी इनका जाना तय था, दिए तो भी चले गए। लेकिन दिए तो चले गए इसलिए क्योंकि इनका स्ट्रेटजी फेल हो गया था। अगर स्ट्रेटजी ढंग से काम कर रहा होता तो ये आगे हो सकता है कि जो ब्रिटिश इतना जल्दी पावर में आ गए, ब्रिटिश रूल क्या हो सकता है, नहीं भी रूल करता, पर ये हो सकता है और होने में फ़र्क होता है।
तो ये मैंने आपको देखा जाए तो मेडिवल हिस्ट्री जो है, यहाँ तक आपका सेलेक्टिवली मैंने आपको ढंग से समझा दिया। हालांकि मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कई बार जो मेडिवल हिस्ट्री में जो सवाल बनते हैं, एक तो दिल्ली सल्तनत में, अब जैसे कि बात करें आप सलेबियन डायनेस्टी में, आपका जो है अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, बलबन हो गया, ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही खिलजी डायनेस्टी में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी इंपॉर्टेंट है। तुगलक डायनेस्टी में जो है आपका गयासुद्दीन भी है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। वही लोधी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लोधी डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, वो भी इब्राहिम लोधी। इसके बाद सीधा हम कहेंगे कि मुगल पे आ जाइए, तो मुगल में आपको सबको देखना पड़ेगा, जैसे अकबर को भी देखना पड़ेगा, हुमायूं को भी देखना पड़ेगा, मतलब हुमायूं टॉप पे हो गया, अकबर हो गया, इसके बाद आपका जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गए, और उसके बाद औरंगजेब हो गए, इतना काफ़ी होगा। इसके बाद जो है सीधा आप चले जाइए किसके पास, बहादुर शाह जफर के बाद। इस बीच में जो है एक तो निजामुल मुल्क हो गया, मुर्शिद कुली खां, जो कि अगर बात करें तो फर्स्ट नवाब हो गए बंगाल का, वो खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेते, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा मतलब आपसे पूछा जाएगा कि हुई दी फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल, तो उस केस में जो है आपका मुर्शिद कुली खां होगा। तो इस तरीके से आप वहाँ का सीन देख सकते हैं। खैर, अब तक मैंने आपको ये मेडिवल हिस्ट्री में ढंग से चीज़ें समझा दिया है, एक बार नहीं समझा दोबारा देख लीजिएगा, आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिएगा। एंड में इन्फॉर्म कर दें कि आज लास्ट डेट है हमारे जो मॉक टेस्ट जो चल रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने का, तो जिस भी कैंडिडेट्स को ज्वाइन करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।